ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग पहले से ही हमारा वेट कर रहे हैं? हाँ, देख तो इसी तरह रहे हमारे, पता नहीं। लेकिन हमने तो इन्हें फोन करके आने की कोई खबर नहीं दी थी, फिर कैसे? वेलकम राहुल जी। हाय। वेलकम मैम। सर आपको अंदाजा भी नहीं होगा हमें इस बात की कितनी बड़ी खुशी है कि आप जैसे सेलिब्रिटी ने हमारे इस रिसोर्ट को सेलेक्ट किया है अपने हनीमून के लिए। थैंक यू सर। सर मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और आपके हनीमून के लिए मैंने स्पेशल अरेंजमेंट्स कराए हैं सर। सर इस रिसोर्ट का बेस्ट रूम, बेस्ट व्यू बहुत ही खास तरीके से डेकोरेट किया है आपके लिए। सर आई होप कि आपका हनीमून आपके लिए यादगार रहेगा। देखिए ये स्पेशल वेशल करने की कोई जरूरत नहीं थी, इट्स जस्ट अ नॉर्मल हॉलीडे फॉर मी। सर आई एम सॉरी, लेकिन आपकी माँ ने कहा था सर स्पेशल अरेंजमेंट्स के लिए, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप हनीमून के लिए यहाँ स्पेशली यहाँ पे आ रहे हैं। मेरी मॉम ने, आई एम श्योर। ठीक है ना राहुल, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? क्या कर रही हो तुम मानदीप, ये सबके सामने इस तरह से बात करने की क्या जरूरत है? सोचने दो जो सोचता है। वैसे शर्माना तो मुझे चाहिए, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? अब वैसे हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं ताकि हम साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को जान सकें, है ना? हाँ चलिए, मेरी वाइफ थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। चलो। पापा मैं तारा के साथ बाहर जाऊँ? हाँ बेटा ले जाओ। ये कितनी प्यारी बच्ची है, आपकी है? जी मैम। कितनी क्यूट है। बेटा मेरा नाम मानवी है, आपका क्या नाम है? मैं पायल, और ये तारा। तारा में मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, पर वो हेलो नहीं बोलती। कोई बात नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो आप अपनी प्यारी दोस्त को? इसे बाहर खिलाने। ठीक है। पापा मैं जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। थैंक यू मैम। मैम आप लोग चलिए, ये आपका लगेज लेके आ जाएगा। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। मानवी क्यों रुके? इसने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? ऐसा क्यों लगा जैसे वहां कोई? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही बड़ा अजीब सा लगा मुझे। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो। बस बुरा ख्याल था, यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता, सब सही। राहुल ने कबीर को जो सबक सिखाया है ना, उसके बाद कबीर कुछ बुरा करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। कुछ और खुशी के पल साथ बिता लो, अब तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। अगले 24 घंटों में यहाँ इतनी अजीब चीजों का सामना करोगे कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। सुनो तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? हाँ पहले से बेटर। चलो फिर खाना खा लेते हैं, मैं शॉवर ले लेता हूँ, तुम भी फ्रेश अप हो जाओ। अब ठीक है, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। तारा खेल फिर खाना, तूने सुबह कुछ नहीं खाया था। तारा प्लीज खाना, प्लीज तारा प्लीज। मैंने उस आदमी को तुम्हारी तारा को ले जाते हुए देखा, कौन था वो आदमी? पता नहीं, बस वो आया मेरी तारा उठा के ले गया, मुझे अपनी तारा चाहिए प्लीज। हाँ बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हारी तारा को, मैं लेकर आऊंगी उसे। हाँ तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है आंटी, उसने बहुत जोर से पकड़ा था, वो अंकल है उसका गला दबा रहा था। आंटी प्लीज मुझे अपनी तारा चाहिए। तुम्हें पता है वो कहाँ की तरफ लेकर गया? पता नहीं। अब मैं क्या करूँ,
मुझे ही कुछ करना होगा। मार देगा उस गांडी मशीन। नहीं बेटा, उसे कुछ तारा चाहिए। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते, तुम चलो, हम खुद जाके तुम्हारी तारा को ढूंढते, ठीक है? चलो चलो। ये मानवी क्या कर रही है? मानवी, मानवी कहाँ जा रही हो तुम? ये जंगलों में क्यों चली गई? क्या कर रही है मानवी? अरे मानवी रुको, सब कुछ ठीक हो गया ना? हाँ। ये बकरी और ये युगान का है ना? हाँ माँ, कितने सवाल पूछोगे आप? आपको मुझ पे भरोसा है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटा, पर तो कैसी बात है? अरे अम्मा देखिए, मैं जैसा कर रहा हूँ ना, मुझे करने दीजिए। मुझे पता है मैंने अपना प्लान बनाया हुआ, और देखना इस बार जो मैंने प्लान किया ना वो फेल नहीं होगा, देखना इस बार। बेटा मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, तुम ये सब कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहा है? माँ क्या खतरनाक हो रहा है? हाँ देखो, खामा के सवाल मत पूछो, और जो मैंने आपको बोला वो लेकर आए हो। ये दो दो पिस्तौलें क्यों मंगाई तूने? अरे माँ वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसमें से असली कौन सी नकली कौन सी? जिसमें ये निशान लगा हुआ है ये असली वाली है। बेटा एक काम करते हैं, तुम अपने पापा के पास वापस जाओ, मैं जाके तुम्हारी तारा को लेके आती हूँ। नहीं, मैं अपनी तारा के बिना नहीं जाऊंगी। उस अंकल ने बहुत जोर से पकड़ा था तारा को, मुझे देखने वो ठीक है या नहीं? बेटा तुम्हारी तारा को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा को तो इस जंगल के बारे में पूरा पता होगा ना। तुम एक काम करो, तुम ना अपने पापा को यहाँ भेज दो, मैं उनकी मदद से तारा को जल्दी ढूंढ के लेके आऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। एक मिनट बेटा, आपको रास्ता पता है कि कैसे जाना है? मेरा तारा यात्रा कर चुके हैं। अच्छा, आराम से जाना बेटा, ठीक है? रास्ता देख के जाओ। पता नहीं कौन था वो आदमी, एक छोटी सी बच्ची से उसकी बकरी छीन ली। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे? कौन हो तुम और हमारी पूजा के बीच में क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अच्छा मैं जाऊं यहाँ से, ताकि मेरे जाने के बाद तुम इस बेजुबान जानवर की हत्या कर सको? इसे हत्या करना नहीं, बलि देना कहते हैं, जो हम सालों साल से करते आए हैं। बलि देना कहते हैं? कौन सी किताब, कौन से ग्रंथ, कहाँ लिखा है ये कि जानवरों की बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं? बोलो। देख लड़की, भगवान को प्रसन्न तो मैं वैसे भी नहीं करना चाहता, अब मुझे और गुस्सा मत दिला और जा यहाँ से। तू जानती नहीं है मेरे गुस्से को, इसीलिए समझा रहा हूँ। अपनी पूजा में बाधा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए दोबारा कहूंगा जा यहाँ से। ठीक है जा रही हूँ, लेकिन इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। मेरे प्लान के हिसाब से अब इस ड्रामे के बाद एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सर ये क्या किया सर? गोली चला दी आपने सर, मार दिया उसको। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं पेड़ पे गोली चला था उसे डराने के लिए। उसको गोली कैसे लग गई? राहुल तुम्हारी नकली गोली तो पेड़ पे ही लगी थी, ये तो मेरा निशाना था जो कभी नहीं चुकता, और जिसकी कीमत अब तुम चुकाओगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? युगान को कोई नहीं मार सकता, सुना तुमने? युगान को कोई नहीं मार सकता। बॉडी कहाँ गई? राहुल उसे गोली लगी थी और तुमने खुद से चेक किया था, वो मर चुका था। वो बोट के नहीं जा सकता। ऑब्वियसली नहीं जा सकता। फिर वो कहाँ गया?